Today I am going to share with you one of the chapter of class 9th supplementary book In the Kingdom of Fools by A.K. Ramanujan's. Introduction of the lesson In the Kingdom of Fools is a folk tale that brings to light the dangers posed by foolish people. It also emphasizes the view that foolish people can be very difficult to manage. They can be dealt with only by the wise and calm people. इस कहानी का परिचय इस प्रकार है कि यह एक तरह की लोक कथा है जिसमें यह दिखलाया गया है कि मूर्ख लोगों को हैंडल करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है और उसे आप बहुत ही ज्ञान से और शांति से ही डील कर सकते हैं। थीम ऑफ द स्टोरी इज बेस्ड ऑन द थीम दैट फूलिश पीपल आर अनप्रिडिक्टेबल एंड कैन बी वेरी डेंजरस सो वन मस्ट स्टे अवे फ्रॉम देम इवन इफ दे ऑफर बेनिफिट फॉर सम टाइम द डिसिपल गॉट टेम्प्टेड बाय द अवेबिलिटी ऑफ ऑल आइटम्स फॉर वन दुद्दू Each and stayed in the kingdom of fools in spite of warning by his wise guru. Had the guru not returned to rescue him, the disciple would have had to pay for his temptation through his life. इस कहानी में इसका जो थीम है ये है कि जो बेवकूफ़ लोग होते हैं मूर्ख लोग होते हैं उनकी भविष्यवाणी करना बड़ा ही मुश्किल काम होता है कि वो क्या कर बैठेंगे और बहुत ख़तरनाक भी होते हैं सो यहाँ पर ऑथर सजेस्ट करता है कि हम अगर जानते हैं कि कोई व्यक्ति मूर्ख हमारे संपर्क में है तो उससे हमें सावधान ही रहना चाहिए इस कहानी में एक ऐसे शिष्य और गुरु के कहानी के बारे में बताया गया है कि जब शिष्य और गुरु एक किंगडम में पहुँचता है और किंगडम में जो फैसिलिटीज़ थी उसको देख करके उसको लालच हो जाता है क्योंकि वहाँ पर एक दुद्दू मीन्स हियर वन नॉट मीन्स वन कॉइन एक सिक्का है एक रुपया के बराबर है कि सब कुछ एक ही रुपया में वहाँ मिला करता था तो शिष्य को लगा कि यहाँ ही रहना सबसे अच्छा है और वो वहाँ रुक जाता है जबकि उसका ज्ञानी गुरु उसको मना किया था कि यहाँ मत रहना क्योंकि लोभ में टेम्पटेशन मतलब लोभ होता है तो लोभ में फंसने पर उसका नतीजा भी बहुत ख़राब होता है लेकिन उसने माना नहीं अपने गुरु की बातों को और वो वहाँ रुक गया और नतीजा यह हुआ कि उसे इसकी कीमत चुकाने को थी लेकिन अगर गुरु नहीं आता तो वो बच नहीं पाता नाउ अबाउट द ऑथर A.K. रामानुजन इट्स फुल फॉर्म इज एटीपट्टे कृष्णा स्वामी रामानुजम Attipatte is the name of the village, Krishna Swami is the name of his father, and Ramanujam his real name. He was an Indian poet and a scholar of Indian literature who wrote in both English and Kannada. Ramanujan was a poet, a scholar, professor, a philologist, folklorist, translator, and playwright. His academic research ranged across 5 languages, English, Kannada, Tamil, Telugu, and Sanskrit. I mean to say you ki he has written so many books in different types of languages English as well as in Kannada also Plot of the story It is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them Who are the fools in the story what happens to them Is a story mein hum dekhenge aisa vishwas hai कि जो बेवकूफ़ लोग होते हैं वो बहुत ही ख़तरनाक होते हैं और उनसे दूरी बना करके ही रखना चाहिए जो ज़्यादा बुद्धिमान लोग होंगे वही इन फुलिश लोगों को मैनेज कर सकते हैं इन दिस स्टोरी विल सी दैट इन मूर्खों के कारण से होता क्या है आगे स्टोरी स्टार्ट इन द किंगडम ऑफ फूल्स This is the first paragraph. It is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them.
हु आर द फूल्स इन दिस स्टोरीज, इस स्टोरी में फूल्स कौन है, मूर्ख कौन है और कौन ज्ञानी है जो इसको मैनेज कर सकता है। पेज नंबर 19 पैरा 1। इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर्स वेयर इडियट्स। दे डिडंट वॉन्ट टू रन थिंग्स लाइक अदर थिंग्स, सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इन टू डे एंड डे इन टू नाइट। दे ऑर्डर दैट एवरी वन शुड बी अवेक एट नाइट टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेस ओनली आफ्टर डार्क एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप। एनी वन हु डिसोबेड वुड बी पनिश्ड विथ डेथ। द पीपल डीड एज दे वेयर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ। द किंग एंड द मिनिस्टर वेयर डिलइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। वन डे अ गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी। इट वॉज अ ब्यूटिफुल सिटी। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट बट देर वॉज नो वन अबाउट। एवरी वन वॉज ए स्लीप, नोट ए माउस स्टरिंग, इवन द केटल हैज बीन taught to sleep by day. The two strangers were amazed by that they saw around them and wandered around town till evening, when suddenly the whole town awoke up and went about its nightly business. एक राज्य था, मूर्खों का राज्य था, उसमें राजा और मिनिस्टर्स सारे लोग इडियट्स थे, मूर्ख ही थे। चाहे वो राजा हो मिनिस्टर, वे दोनों ये नहीं चाहते थे कि राज का जो काम है, कार्य है, वो दिन में हो, क्योंकि हर एक राज में दिन में ही काम किया जाता था। इन दोनों ने ये सोचा कि हम कुछ अलग करेंगे, और उसने एक ऑर्डर फरमान निकाल दिया कि पूरे राज में राज का काम जो होगा, कोई भी काम, वो दिन भर नहीं होगा, सनसेट के बाद होगा, जब सूर्यास्त हो जाएगी तभी राज का कार्य हो सकता है। सारे लोगों ने डर के मारे उनके ऑर्डर का पालन किया, क्योंकि इंस्ट्रक्शन था कि अगर आप नहीं मानते हैं, डिसोबे करते हैं, तो आपको मृत्यु की सजा दी जाएगी, मृत्युदंड था। एक दिन उसी मूर्खों के राज्य में एक गुरु और शिष्य भटकते भटकते घूमते घूमते पहुँचे। उन्होंने देखा कितना सुंदर सिटी है, बहुत शांति है, यहाँ पर कोई शोरगुल नहीं है। जब वो चारों तरफ सिटी में घूमने लगे तो उन्हें कोई नज़र नहीं आया, इवन कि उन्होंने देखा कि एक चूहा भी सोया हुआ है, जानवर भी सोया हुआ है, आदमी भी सोया, कोई जगह हुआ नहीं है। वो दोनों गुरु और चेले शिष्य भर दिन इंतज़ार किए कि चलो जब देखते हैं कि ये लोग कब उठते हैं। जैसे ही सनसेट हुआ, सूर्यास्त हुआ, सारे लोग उठना शुरू कर दिए और उठ करके अपने अपने काम में लग गए। तो उनको इस बात का एहसास हो गया कि इस राज्य का सारा नियम ही उल्टा है, पागल के जैसा है, और ये मूर्खों का राज है। पेज 19 पैरा नंबर 2। द टू मैन वेयर हंग्री नाउ दैट द शॉप्स वेयर ओपन। दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज। टू देयर एस्टोनिशमेंट दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम ए सिंगल डुडू। वेदर दे बॉट ए मेजर ऑफ राइस और ए बंच ऑफ बनाना, इट कॉस्ट ए डुडू। गुरु एंड हिज डिसिपल्स वेयर डिलाइटेड। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वॉन्टेड फॉर ए रूपी। वेन दे हैड कुक्ड एंड ईटन, द गुरु रियलाइज दैट दिस वॉज ए किंगडम ऑफ फूल्स एंड इट वुड नॉट बी ए गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे हियर। दिस इज नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो, ही सेड टू हिज डिसिपल, बट द डिसिपल डिडंट वॉन्ट टू लीव द प्लेस। एवरीथिंग वॉज चीप हियर, All he wanted was good, cheap food, the guru said. तो दिन भर वो दोनों वहाँ वेट किए, और चूँकि दिन में कुछ खुला हुआ नहीं था, तो वो सारे लोग, दोनों आदमी बहुत भूखे हो गए थे। और जब शाम का समय हुआ, दुकान वगैरह खुला, तो वो लोग गए कुछ ग्रोसरीज खरीदने के लिए, चावल दाल भाजी जो भी है दुकान से। टू देर एटोनिशमेंट मतलब होता है सरप्राइज, आश्चर्य होना। तो उन लोगों को आश्चर्य लगा कि वहाँ पर जितना भी सामान बिक रहा था, उस सारा का दाम वन डुड्डू था। डुड्डू का मतलब होता है सिंगल डुड्डू, इसका मतलब होता है एक रुपया। तो बहुत खुश हुए, चाहे आप राइस ले लो या बनाना ले लो, एक दर्जन, फिर भी आपको एक ही डुड्डू देना पड़ेगा। गुरु और शिष्य दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि उन लोगों ने आज तक, दे हैव नेवर हर्ड एनीथिंग लाइक दिस, कभी नहीं सुना नहीं था एक ही रुपया में मिलता है सब कुछ,
कहने का मतलब है टके सिर भाजी टके सिर खाजा, अंधेर रगरी चौपट राजा। वहाँ सब कुछ एक ही रुपया में था। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर ए रूपी। जितना भी सामान खरीदना चाहते थे तो कोई भी खरीद एक रुपया दे खरीद सकते थे। When they had cooked and eaten, the guru realized that this was a kingdom of fools। जब वो लोग खाना बनाए खा लिए तो गुरु को इस बात का अनुभव हुआ कि शायद हम लोग एक मूर्खों के साम्राज्य में आ गए हैं। यह अच्छा नहीं होगा कि हम लोग यहाँ ठहरें, यह खतरनाक है। This is no place for us, let's go। उसने अपने शिष्य को कहा कि यहाँ ये प्लेस ठहरने के लायक नहीं है क्योंकि ये मूर्खों का साम्राज्य है। लेकिन शिष्य तो शिष्य था, उसको लालच आ गई थी क्योंकि हर एक चीज़ सस्ता था, चीप था। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड। वो चाहते थे कि चलो यहाँ सब कुछ सस्ता, यहाँ रहने में मज़ा आएगा। द गुरु सेड, लेकिन गुरु ने उनसे कहा, दे ऑल आर फूल्स, दिस वुड नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट। उन्होंने कहा कि देखो पेज नंबर 20 फर्स्ट पैराग्राफ कि देखो वो सारे लोग मूर्ख हैं इस साम्राज्य में। आपको भी मज़ा आ रहा है कि एक रुपया में सब कुछ मिल रहा है, लेकिन आपको पता नहीं है कि अगला कदम उनका क्या होगा आपके लिए, वो घातक भी हो सकता है। बट द डिसिपल वुड नॉट लिसन टू द गुरुज विजडम, ही वॉन्टेड टू स्टे। द गुरु फाइनली गिव अप एंड सेड, डू वॉट यू वॉन्ट, आई एम गोइंग एंड लेफ्ट। द डिसिपल स्टेड ऑन एट हिज फील वेरी एवरी डे, बनानास घी राइस एंड व्हीट एंड ग्रू फैट लाइक ए स्ट्रीट साइड सैक्रेड बुल। वन ब्राइट डे ए थी ब्रोक इन टू ए रिच मर्सेंट्स हाउस, ही हैड मेड ए होल इन द वॉल एंड स्निक्ड इन, एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड एंड हिज हेड एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट। हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड कॉम्प्लेंट। तो गुरु की बात उस चेला ने नहीं माना, वो वहीं पर रह गया। वो कहा कि नहीं हम यहीं पर रहेंगे। तो गुरु ने कहा ठीक है अगर तुमको रहना तो रहो, लेकिन मैं नहीं रहूँगा। तो उसका गुरु उसको छोड़ के चला गया। उसका शिष्य जो था वहीं रहने लगा, क्योंकि बहुत कुछ सस्ता मिलता था। खूब खरीद खरीद करके घी है, केला है, चावल है, गेहूँ है, जो मन में आया खा खा करके मोटा हो गया, तगड़ा हो गया एक सांड की तरह। एक दिन दिन के समय, चूँकि दिन में सारे लोग वहाँ सोते थे तो चोरी भी दिन में ही होती, तो एक चोर ने एक बिजनेसमैन के घर में सेंध मार दिया। सेंध मारना होता है स्नीक इन, मतलब होता है कि दीवार को काट करके उसमें घुस जाना। तो घुस गया और उसका सामान लूट करके सब सोया हुआ था। जब वापस निकल रहा था दीवार भरभरा के गिर गया, कोलैप्स्ड मतलब होता है टूट करके गिर जाना, तो कोलैप्स्ड हो गया उसके माथे पर ही, और वो वहीं जय श्री राम मर गया, ख़त्म हो गया। जो चोर का भाई था वो दौड़ करके राजा के पास गया कंप्लेन करने के लिए। व्हाट डिड ही कंप्लेन, हम देखते हैं कि वो अब क्या कंप्लेन करता है। योर हाइनेस, व्हेन माय ब्रदर वाज परसुइंग हिज एंशिएंट ट्रेड, ए वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, ही शुड हैव बिल्ट ए गुड स्ट्रॉन्ग वॉल। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कॉम्पनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस। द किंग सेड, जस्टिस विल बी डन, डोंट वरी, एंड एट वन समन द ओनर ऑफ द हाउस। पेज 20 पारा 2। तो दौड़ करके वो उसका भाई राजा का के पास गया, कहा महाराज, जब उसका भाई अपना पुराना धंधा कर रहा था, वो ये नहीं बताया कि चोरी कर रहा था, बता पुराना धंधा कर रहा था, तो उसके देह पर उस घर का दीवार गिर गया और वो मर गया। तो ये जो बिजनेसमैन है वही इसका दोषी है कि उसने क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग घर बनाया था। अगर अच्छा घर बनाया होता तो मेरा भाई उसके नीचे नहीं दबा होता, नहीं मरा होता। इसलिए आपसे निवेदन है कि जिसने गलती किया है उसको सजा दीजिए और मेरे को कंपनसेट कीजिए। कंपनसेट मतलब मुआवजा दीजिए, वो जो मर गया उसके एवज में पैसा दीजिए, और फैमिली को जो अन्याय हुआ है उसके साथ जो घटना घटी है उसका न्याय कीजिए। द किंग बोला, जस्टिस विल बी डन, जाओ एकदम न्याय होगा। और उसने ऑर्डर दिया कि जाओ बुलाओ जल्दी उसके मालिक को, मकान के मालिक को। पेज 21 पारा 1। व्हेन द मर्चेंट अराइव्ड, द किंग क्वेश्चन्ड हिम, व्हाट इज योर नेम, सच एंड सच, योर हाइनेस, वेयर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस।
Yes, my lord. He broke in. The wall was weak. It fell on him. The accused pleads guilty. Your wall killed this man's brother. You have murdered a man. You have to punish you. Lord, said the helpless merchant, I didn't put up the wall. It's really the fault of the man who built the wall. He didn't build it right. You should punish him. Who is that? My lord, this was the built in my father's time. I know the man. He is an old man now. He lives nearby. The king sent out messengers to bring in the bricklayer who had built the wall. They brought him, tied hand and foot. You were? Did you build this man wall in his father's time? Yes, my lord, I did. What kind of a wall is this that you built? It has fallen on a poor man and killed him. You have murdered him. You have to punish you by death. जब वो व्यापारी उसके पास आया राजा के पास, हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज आदेश हो, तो राजा ने कहा कि जब वो इसका भाई तुम्हारे घर में चोरी कर रहा था तो क्या तुम वहीं पर थे? हाँ महाराज, उसने जवाब दिया, बिल्कुल मैं वहीं पर था। तो उसने कहा कि तुमने क्या हुआ था, कैसे ये मरा? तो उसने बताया कि वो दीवार तोड़ करके मेरे घर में चोरी करके सामान लेकर के जब वापस निकल रहा था तो दीवार चूँकि कमज़ोर था वो उसके शरीर पर गिर गया और मर गया। तो राजा ने कहा तो मर गया तो अब तुमको मृत्यु दंड मिलेगा और मुआवजा भी देना पड़ेगा क्योंकि तुमने इसको इसका जान मार दिया है। तो क्या अजीब फैसला था राजा का कि वो इसने नहीं कहा कि उसने चोरी क्यों करने गया, लेकिन वो उल्टे उस बिजनेसमैन को, मर्चेंट को कह रहा है कि तुमने अपना दीवाल क्यों कमज़ोर बनाया। तो उसने कहा, जी महाराज, लेकिन मैंने तो दीवाल नहीं बनाया ना, दीवाल तो मैंसन ने बनाया है ना, जो कारीगर बनाता है दीवाल बनाने वाला उसने बनाया है, और ये बनाया गया था मेरे पिताजी के समय में, तो मैं कैसे दोषी हो गया? दोषी तो वो हुआ क्योंकि उसने कमज़ोर दीवाल बनाया। बोला हाँ, राजा कहता हाँ बिल्कुल सही बात है, जाओ पकड़ के लाओ उस कारीगर को जिसने दीवाल बनाया था। अब उसका मैसेंजर जो संदेश वाहक था राजा का, दूध दौड़ करके गया और जो वो दीवाल बनाया था वो बूढ़ा वो चला था, उस बूढ़ा का हाथ पैर बांध करके राजा के दरबार में लाया और बोला, ए तुमको आज सजा मिलेगा, मृत्यु दंड, तुमने इसका दीवाल बनाया था इसके पिताजी के समय में। बोला, जी मालिक, मैंने ही बनाया था। बोला, अब तुमको मृत्यु दंड मिलेगा क्योंकि तुमने कमज़ोर दीवाल बनाया, इसी कारण इस चोर को, चोर की मृत्यु हुई है। अगर तुम मजबूत बनाया होता चोर चोरी करके चला जाता और उसकी मृत्यु नहीं होती, दीवाल गिरता नहीं। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एक्सक्यूशंस, एक्सक्यूशंस मतलब होता है फांसी की सजा देना। द पुअर ब्रिक लेयर प्लीडेड, प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स। तो राजा जब ऑर्डर देता है कि इसको फांसी की सजा दो, तो जो ब्रिक लेयर था, जो दीवाल बनाया था, उसने कहा कि मेरे मालिक, मेरे हाइनेस, आप जो थोड़ा मेरी बात भी रखने का मौका दीजिए। इट्स ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल एंड इट वॉज नो गुड, बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट। आई रिमेंबर वेरी वेल ए डांसी गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्टेज ऑल डे विथ हर एंकलेट, एंकलेट्स मतलब होता है पायल, जिंगलिंग मतलब वो पायल की आवाज़ आना, झुनझुन झुनझुन। एंड आई कुड नॉट कीप माई आईज और माई माइंड ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आई नो वेयर सी लिव्स। जब राजा उसको फांसी देने जा रहा था, उसने हाथ जोड़ के कहा, महाराज मेरी बात सुन लीजिए, फांसी तो आप दे दीजिएगा लेकिन मेरी बात सुन लीजिए। राजा बोला, बोलो क्या कहना चाहते हो? बोला कि सर, मैं वाल जरूर बना रहा था लेकिन उस दिन मेरा दिमाग वाल पर नहीं था, क्योंकि एक नाचने वाली लड़की जो थी, डांसिंग गर्ल जो थी, वो जहाँ मैं वाल बना रहा था उसके बगल में उसका घर था, वो बार बार ऊपर नीचे जा रही थी और उसका पैर का पायल झनझन झनझन आवाज़ करता था, तो मैं, मेरा ध्यान भंग हो जाता था, मैं उसको देखने लगता था, इसीलिए ये वाल कमज़ोर हो गया। तो दोषी मैं कैसे हुआ? ध्यान उसने भंग किया इसलिए वही कल्प्रिट है, उसके कारण मैंने गलत वाल बनाया या कमज़ोर वाल बनाया, इसलिए महाराज आपसे निवेदन है उसको बुलाया जाए। राजा बोला, हाँ एकदम सही बोलता, यू आर राइट। द केस डिफेंस
You must look into, it is not easy to judge such complicated cases. Let's get that dancer wherever she is. राजा कह रहे वाह, ये तो मामला और पेचीदा होता जाता है ना, डिपेंस मतलब होता है पेचीदा, उलझता जा रहा है। चलो तुम सही बोलते हो, चलो जी जाओ जल्दी पकड़ के लाओ वो डांसिंग गर्ल, कहाँ है डांसर, कहाँ है नचनिया। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमैन केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट। अब वो जो डांसिंग गर्ल उस समय यंग थी, अब तो बूढ़ी हो गई थी, वो थरथराते हाथ जोड़ते हुए राजा के दरबार में आया। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स अगो व्हाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग ए वॉल, डिड यू सी हिम। उसने पूछा राजा ने कि क्या ये बात सही है कि जब ये कारीगर दीवार बना रहा था तो उस समय तुम ऊपर नीचे एंकल पहन करके कर रही थी। वो बोलती है एकदम सही बोली, झूठ नहीं बोली, यस मालिक मैं ऊपर नीचे जा रहा था, आई रिमेंबर इट वेरी वेल, मुझे भी याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विथ योर एंकलेट्स जिंगलिंग, यू वेयर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम सो ही बिल्ट ए बैड वॉल। और तुम जो झुनझुना बजा रही थी पायल ऊपर नीचे जा कर के आ कर के, उसके कारण इसका ध्यान भंग हुआ और इसने गलत वाल बना दिया, और जिसके कारण आज एक चोर जो इसमें चोरी करने गया था और जब लौट रहा था चोरी करके तो दीवाल उसके माथे पे गिर गया और ये चोर मर गया, इसका दोषी तुम है क्योंकि तुमने कारीगर का ध्यान भंग किया। पेज 22 पैरा 1। It has fallen on a poor burglar and killed him. You have killed an innocent man. You will have to be punished. राजा ने कहा तुमने एक निर्दोष आदमी की हत्या किया है, इसलिए तुमको सजा मिलेगी। She thought for a minute and said, "My lord, wait. I know now why I was walking up and down that street. I had given some gold to the goldsmith to make some jewelry for me. He was a lazy scoundrel." He made so many excuses, said he would give it now and he would give it then, and so on all day. He made me walk up and down to his house a dozen times. That was when this bricklayer saw me. It is not my fault, my lord. It is the damned goldsmith's fault. अब जो डांसर थी वो भी कोई कही महाराज ठीक है आप सजा दे दीजिएगा, अब मेरी बात सुन लीजिए। अब डांसर भी उसको बात सुनाने लगी, बोली कि महाराज ये बात सही है कि वो मर गए, वो दीवाल ये बना रहा था और मैं ऊपर नीचे हो रही थी, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि मैं ऊपर नीचे हो क्यों रही थी। मैं इसलिए ऊपर नीचे हो रही थी कि मैंने एक गोल्ड स्मिथ को, जो लोहार है सुनार है, उसको मैंने दिया था एक गोल्ड बनाने के लिए ज्वेलरी, और वो रोज़ महीना दर महीना हमको दोहरा रहा था, आजकल अभी तभी कर रहा था, तो मैं बार बार उसके यहाँ जो आ रहा था जा रहा था, उस आलसी गोल्ड स्मिथ के कारण मैं ऊपर नीचे हो रही थी, इसलिए वह दोषी है क्योंकि अगर वह मेरा सामान बना करके समय से दे देता तो मैं ऊपर नीचे नहीं जाती और ना ही इस कारीगर का ध्यान भंग होता और ना ही ये कारीगर गलत वाल बनाता, इसलिए दोषी सर तो वो है गोल्ड स्मिथ है। पुअर थिंग सी इज एब्सोल्युटली राइट। अब राजा का एकदम बेचारी ये सही बोल रही है। राजा सोचा, द किंग वेइंग द एविडेंस, वो सारे गवाह को वजन करते हुए कंक्लूजन निकाला, वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट। वो बोला कि जो दोषी है, कल्प्रिट मतलब दोषी, अब मुझे मिल गया कि ये सही दोषी कौन है। गिर द गोल्ड स्मिथ वेयर एवर ही इज हाइडिंग एट वंस, ऑर्डर दिया जाओ पकड़ के लाओ गोल्ड स्मिथ को, जहाँ कहीं भी है तुरंत छुपा हुआ है। द किंग्स बेलिप्स सर्च, बेलिप्स मतलब होता है पुलिस उसका, तो बेलिप्स सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ हु वॉज हाइडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, व्हेन ही हर्ड द एग्जीक्यूशंस अगेंस्ट हिम ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल। तो उसको भी पता चल गया था कि अब हमको सजा देगी, तो उसका आदमी गया जो पुलिस फोर्स था खोजने के लिए, तो अपने दुकान में कोना में छुपा हुआ था, और वो भी मन ही मन सोच रहा था कि अब हम कौन कहानी कहेंगे कि हम बचेंगे। उसको पकड़ के लाया गया कोर्ट में, तब वो क्या कहता है वो देखते। माई लॉर्ड ही सेड, आई एम ए पुअर गोल्ड स्मिथ, इट्स ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, आई गेव हर excuses because I could not finish making her jewelry before I finished the rich merchant's order.
दे हैड ए वेडिंग कमिंग एंड दे वुड नॉट वेट, यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, हु इज दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमन्स ज्वेलरी, मेड हर वॉक अप एंड डाउन, व्हिच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिक लेयर, व्हिच मेड ए मेस ऑफ हिज वॉल, व्हिच हैज नाउ। तब उस जो गोल्ड स्मिथ था वो आया उसके घर में, राज दरबार में, वो कहा कि मेरे मालिक मुझे भी कुछ कहने का मौका दिया जाए, मैं तो एक गरीब सुनार हूँ और ये बात सही है कि इस डांसर ने मेरे को एक ज्वेलरी बनाने के लिए दी थी और मैं देर कर रहा था, आज कल कर रहा था, लेकिन इसका भी वजह था, इसका वजह था कि एक अमीर आदमी थे, उनके बेटी की शादी थी और उनका प्रेशर मेरे ऊपर था, अमीर बिजनेसमैन जो था उसने ऑर्डर दे रखा था, इसलिए मैं उसके कामों में व्यस्त था और आप जानते हैं कि अमीर लोग कितना अधर्ज होते हैं, वो प्रेशर इतना डाले हुए थे कि मैं इस बेचारी डांसर का ज्वेलरी सही समय पर नहीं दे पा रहा था और झूठ बोल रहा था, तो इसके लिए दोषी महाराज वो बिजनेसमैन है, अमीर बिजनेसमैन है। तो उसने कहा कि ये कौन है बिजनेसमैन, अमीर बिजनेसमैन जिसने तुमको ऑर्डर दिया था और काम कराने के लिए प्रेशर दिया था जिसके कारण तुम्हारा ध्यान डिस्ट्रैक्ट हुआ इस पुअर गर्ल का, जो बेचारी ये डांसर थी ऊपर नीचे जा रही थी बार बार तुम्हारे यहाँ सामान लाने के लिए, और इसका दोषी वो रिच मर्चेंट है। व्हिच हैज़ नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन एंड किल्ड हिम, कैन यू नेम हिम। उसने कहा कि उसी के कारण से जब ये दीवाल गिरा है तो तुम बता सकते हो कि वो अमीर आदमी कौन है। द गोल्ड एस्मिन नेम द मर्चेंट एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन। नाउ जस्ट इट हैड कम फुल सर्कल, थॉट द किंग बैक टू द मर्चेंट। व्हेन ही वॉज रूडली समन बैक टू द कोर्ट ही अराइव्ड क्राइंग, इट वॉज नॉट मी बट माई फादर हु ऑर्डर द ज्वेलरी, ही इज़ डेड, आई एम इनोसेंट। जब तब सुनार ने कहा कि महाराज जिस आदमी ने मेरे को ऑर्डर दिया था वो कोई दूसरा नहीं है, वह वही आदमी है जिसका दीवाल गिरा है, उस मकान का मालिक था जिसका दीवाल गिरा है, वही उस समय अमीर आदमी था, उसी ने मेरे को ऑर्डर दिया था बनाने के लिए और प्रेशर दिया था। अब राजा को समझ में आ गया कि कहानी घूम फिर करके एक चक्कर लगा करके वहीं पहुंच गए। उसने गुस्से में ऑर्डर दिया कि जाओ पकड़ के लाओ उसके मालिक को, तो बेचारा जो कंप्लेन करने आया था दौड़ते हुए रोते हुए हाथ जोड़ के कहा कि महाराज मैं नहीं था, मेरे पिताजी ने ऑर्डर दिया था ज्वेलरी का और वो तो अब गुजर चुके हैं, मैं इनोसेंट हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मुझे माफ़ कर दिया जाए। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसिसिवली, इट इज़ ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर, ही इज़ डेड बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, हिज रिचेज एज वेल एज हिज सिंस, आई नो एट वंस, इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट योर आईज ऑन यू आई थॉट यू वेयर एट द रूट ऑफ हिज हॉरिबल क्राइम, यू मस्ट डाई। तो राजा ने कहा कि ये बात सही है कि तुम्हारे पिताजी ने बनाया है, लेकिन चूँ पिताजी तुम्हारे गुजर गए और उनकी वजह से इसका मर्डर हुआ है, तो उनके जितने भी फैसिलिटीज़ हैं, घर हैं, खेत हैं, जो पैसे उन्होंने छोड़ के गया है उसका सारा मज़ा तो तुम ले रहे हो, तो उनके पाप कर्म का भी भागी तुम ही को बनना पड़ेगा, नहीं तो किसी न किसी एक व्यक्ति को आपको लाना पड़ेगा जिसको सज़ा देना पड़ेगा, क्योंकि ये मिनिस्टर का सलाह है कि किसी न किसी को तो सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि एक आदमी का मर्डर हुआ है और इस क्राइम में जब तुम पहली बार आया था कंप्लेन करने उसी वक्त हमको लगा था कि तुम्हारा ही खेल बेल है इसके पीछे, इसलिए तुमको तो सज़ा मिलना पड़ेगा, तुमको तो मृत्युदंड मिलेगी। एंड ही ऑर्डर्ड ए न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एक्सिक्यूशन। स्टेक मतलब फांसी का फंदा होता है, तो राजा ने ऑर्डर दिया कि एक फांसी का फंदा तैयार करो। एज द सर्वेंट शार्पेंड द स्टेक एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल
impaling of the criminal, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. He appealed to the king's common sense. The king too worried about it. जो फांसी का फंदा बनाया गया था और जब उसको वहाँ पर लाया गया तो देखा गया कि रिच मर्चेंट का जो है फंदा जो है बड़ा हो गया, ये दुबला हो गया था, अब इसको फांसी कैसे पड़े। तो किंग भी चिंतित हो गया कि सजा तो किसी न किसी को देना पड़ेगा। व्हाट शैल वी डू, अब हम लोग क्या करें। ही सेड व्हेन सडनली स्ट्रक्ट हिम दैट ऑल दे नीडेड टू डू वॉज टू फाइंड ए मैन फैट एनफ टू फिट द स्टिक। द सर्वेंट वेर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर ए मैन हु वुड फिट द स्टिक एंड देयर आईज फेल ऑन द डिसिपल हु हैड फैटेंड हिमसेल्फ फॉर ए मंथ ऑन बनानाज एंड राइस एंड व्हीट एंड घी। अब राजा का अजीबोगरीब फैसला आया कि कोई न कोई जो मोटा आदमी है उसको पकड़ के लाओ और उसको फांसी के फंदे पे चढ़ा दो। सजा तो मिलनी चाहिए किसी न किसी का, क्योंकि इसका चोर भाई मर गया है तो सजा तो मिलेगी। तो मिनिस्टर का आदमी, राजा का आदमी दौड़ा चारों तरफ देखने लगा राज्य में कौन मोटा आदमी होगा। तो उसकी नज़र पड़ी उसी चेला पर, उस गुरु के चेला पर जो वहाँ रुक गया था लोभ में कि एक ही रुपया में सब कुछ मिलता है। टके सिर भाजी टके सिर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। तो देखा कि ये आदमी यहाँ पूरा घी केला आटा सब खा खा करके मोटा हो गया था बनाना, तो उसको उस सब ने पकड़ लिया। What have I done wrong? I am innocent, I am sannyasi, he cried, that may be true. But it is the royal degree that we should find a man fat enough to feed the stake, they said, and carried him to the place of executions. He remembered his wise guru's words. This is a city of fools, you don't know what they will do next. While he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart, asking him to hear his cry wherever he was. The guru saw everything in a vision. He had magic powers. He could see far and he could see the future as he could see the present and the past. He arrived at once to save his disciple who had got himself into such a scrape through love of food. तो अब उस मोटा ताजा आदमी जो चेला था, उसको शिष्य था, उसको पकड़ करके राजा के सारे लोग ले आए और फांसी के फंदे पर लटकाने लगे। ये चिल्ला रहा था, महाराज मैंने क्या गलती किया, मैं तो निर्दोष हूँ, मैं एक सन्यासी हूँ, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, मेरे को क्यों फांसी की सजा दे रहे हो। तो बोला नहीं, ये राजा का ऑर्डर है कि जो मोटा आदमी होगा उसको पकड़ के लाओ और इस फांसी के फंदे पर लटका दो, क्योंकि उस इसका जो है फंदा है बड़ा है और उस तरह का आदमी मिल नहीं रहा है। बेचारा को ज़बरदस्ती वहाँ लाया गया। अब उसको अपने गुरु की शब्द याद आए, गुरु ने कहा था उससे कि मूर्खों का राज्य है, सावधान रहो, नेक्स्ट पल क्या होगा कोई नहीं जानता है। तो अब वो रोने लगा और मन ही मन गुरु को याद किया। उसके गुरु त्रिकालदर्शी थे, प्रेजेंट भी जानते थे, पास्ट भी जानते थे, फ्यूचर भी जानते। जब इसने याद किया तो उन्होंने अपने विजन में देखा, दृश्य में देखा कि मेरा चेला फंसा हुआ है। वहाँ से वो तुरंत उसके पास आ गए कि चलो ये फूड के कारण, भोजन के कारण, भोजन के लोभ में फंस गया है, अब मेरी जिम्मेदारी है इसको यहाँ से निकालना। अब गुरु उसके यहाँ आ जाते हैं। एज सून एज ही अराइव्ड ही स्कोल्डेड द डिस्पल एंड टोल्ड हिम समथिंग इन ए व्हिस्पर, देन वेंट टू द किंग एंड एड्रेस्ड हिम, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग हु इज़ ग्रेटर, द गुरु और द डिसिपल, ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, वाई डू यू आस्क, देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी। जैसे ही वो उसके गुरु वहाँ पहुँचे तो उन्होंने जाकर के अपने चेला को कुछ कान में बुदबुदा डांटा और कुछ कान में कहा। उसके बाद उन्होंने राजा के तरफ एड्रेस करके हाथ जोड़ के कहा, महाराज गुरु और चेला में कौन बड़ा है पहले ये बताएं आप। उसने कहा, तो कहा एकदम बेशक, ऑफ कोर्स मतलब बेशक होता है, बेशक गुरु बड़ा होता है। बोला जब गुरु बड़ा होता है तो मेरे रहते हुए चेला कैसे फांसी के फंदा पे चढ़ेगा, मेरे को फांसी की सज़ा दे दीजिए, इसके बदले मैं
सजा लूँगा। When the disciple heard this, he understood and began to clamor, Me first, you brought me here first, put me to that first, not him. The guru and the disciple now got into a fight and about who should be first. The king was puzzled by his behavior. He asked the guru, Why do you want to die? We choose him because we needed a fat man for the stake. तो गुरु और चेला दोनों वहाँ पर आपस में झगड़ा करने लगे, किस लिए कि पहले हम फांसी के फंदे पर चढ़ेंगे, तो पहले हम फांसी के फंदे पर चढ़ेंगे। तो जब दोनों झगड़ा करने लगे तो राजा को बड़ा अजीबोगरीब लगा कि क्या बात है भाई, क्यों ये दोनों झगड़ा कर रहा है। उन्होंने पूछा, क्या बात है ऐसी कि तुम कहते हो पहले हम मरेंगे तो पहले हम मरेंगे, बताओ क्या कारण है इसके पीछे। तो अब क्या होता, दैट वी सी, यू शुड आस्क मी सच क्वेश्चंस, पुट मी टू दे फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु। गुरु ने कहा, व्हाई देर इज सम मिस्ट्री हियर, एज ए वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, विल यू प्रोमिस टू पुट मी टू डेथ If I tell you, ask the guru. The king gave him his solemn word. The guru took him aside out of the servant's earshot and whispered to him, Do you know why we want to die right now, the two of us? We have been all over the world, but we have never found a city like this or a king like you. That stake is the stake of the gold of justice. It is new. It has never had a criminal on it. Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country, and whoever goes next will be the future minister of this country. We are sick, our ascetic life. We would be nice to enjoy ourselves as a king and ministers for a while. Now keep your word, my lord, and put us to death. Me first, remember. तो जो गुरु था उसका, उसने कहा कि देखो, देखिए महाराज, इसके पीछे रहस्य ये है कि अभी जो आपने फंदा बनाया है, ये फांसी का फंदा, आज तक इस पर कोई क्रिमिनल को फांसी नहीं दी गई है। ये सुनहरा पल है कि अभी इस फांसी के फंदे पर जिसको सबसे पहले फांसी दिया जाएगा, मरने के बाद जब वो रिबॉर्न होगा, फिर उसका जन्म होगा, तो वो राजा बनेगा। ये ऐसा मुहूर्त है अभी। और नेक्स्ट जो सेकेंड इस पर फांसी चढ़ेगा वो मिनिस्टर बनेगा। इसलिए आपने जो वचन दिया उसका पालन कीजिए, पहले हमको फांसी के फंदा पर चढ़ाए, क्योंकि मैं सन्यासी हूँ, कम से कम अगले जन्म में राजा बन करके ज़िंदगी का मज़ा ले सकूँ, और उसके बाद मेरे चेला को दीजिएगा। द किंग वॉज नॉट थ्रोन इन टू डीप थाट, ही डिडंट वॉन्ट टू लीज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, ही नीडेड टाइम, सो ही ऑर्डर्ड द एक्सक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे and talked in secret with his minister. It is not right for us to give over the kingdom to others in the next life. Let's go on the stake ourselves and we will be reborn as king and minister again. Holy men do not tell lies, he said, and the minister agreed. So he told the executioners, we will send the criminals tonight. When the first man comes to you, put him to death first. Then do the same to the second man. Those are my orders. Don't make any mistakes. तो उस दिन राजा ने पोस्टपोन कर दिया, कहा कि आज फांसी किसी को नहीं होगी, ये कल तक के लिए टाला जाता है, हम रात भर सोचेंगे, डिस्कस करेंगे। अब अपने मिनिस्टर्स को कहा कि देखो भाई, इस ज़िंदगी में तो हम राजा हैं ही, अगले जन्म में भी हम अपने ये राजपाट किसी और को नहीं देना चाहते हैं, और ये जो पवित्र आत्मा है, ये जो गुरु है, ये झूठ नहीं बोल रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि किसी और को जो फांसी मिले वो मेरे को मिल जाए। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर, जो फांसी सजा देने वाला था, उसने कहा, विल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू, उसने कहा मैं क्रिमिनल को भेजूंगा और जो पहले मैन आएगा उसको तुम सजा देना। देन डू द सेम टू द सेकेंड, और दूसरा जो आएगा उसको सजा देना, और यह मेरा ऑर्डर है, डोंट मेक एनी मिस्टेक, कोई गलती मत करना। उसने ऑर्डर दे दिया था।
दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन. रिलीज द गुरु एंड द डिसिपल डिसगाइज देमसेल्फ एज द टू एंड एज अरेंज्ड बिफोर हैंड विद द लॉयल सर्वेंट्स वेयर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड. अब ये राजा और इसका मिनिस्टर एक खेल खेला. जिस बंदी गृह में प्रिजन में जेल में गुरु और उसका चेला बंद था, रात में राजा और इसका मिनिस्टर चला गया. गुरु चेला दोनों को फ्री कर दिया, कहा तुम जाओ. और ये मिनिस्टर राजा वहाँ अपना वेश बदल करके वहाँ रहने लगा. सोचा कि अब हम ही दोनों फांसी पे चढ़ेंगे. तो नेक्स्ट डे उसका नौकर चाकर आया, अब उसको लेकर के चला फांसी देने के लिए. When the bodies were taken to the town with thrown to crows and vultures, the people panicked. They have before them the dead bodies of the king and the minister. The city was on confusion. और चूँकि उसको जब फांसी दिया जाता है तो मुँह ढक दिया जाता है, तो उसको तो फांसी पड़ गया दोनों को. और जब उसके बॉडी को वो लोग फेंकने के लिए जा रहे थे कि ताकि कौआ खा सके, कोई अदर एनिमल खा सके, तो सब उन्होंने उनके चेहरा को जब देखा तो सब आश्चर्य करने लगे. बड़ा शॉक्ड उनको हुआ कि ये क्या है बात है. ऑल नाइट दे मॉर्न एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम. सारे रात सारे लोगों ने शोक मनाई और सोचा कि अब इस किंगडम का, इस राज्य का भविष्य क्या होगा. सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसिपल एंड कॉट अप विद द देम एज दे वेयर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस्ड. कुछ लोगों ने सोचा चलो उस गुरु और चेला को हम पकड़ के लाते हैं, क्योंकि वो लोग इसको उसमें बंद करके सजा दे दी और अपने भाग गए. और इस चाल में वो सफल हो गए, दोनों बच गए. वी पीपल नीड ए किंग एंड ए मिनिस्टर. उन्होंने सोचा कि हम लोगों को तो अब एक राजा चाहिए और एक मंत्री चाहिए. अदर्स एग्रीड दे बैक द गुरु एंड द डिसिपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर. तो इसलिए उन्होंने गुरु के पास गया और उसके गुरु और चेला को कहा हाथ जोड़ करके कि आप ही हमारा अब राजा और मिनिस्टर बनिए. It didn't take many arguments to pursue the disciple, but it took a longer to pursue the guru. चेला तो तुरंत तैयार होगा, चलो मंत्री बन गए, उसको ज़्यादा मनाना नहीं पड़ा. Pursued मतलब होता है मनाना, अपने फेवर में करना, लेकिन गुरु को मनाना बड़ा मुश्किल काम था. They finally agreed to rule the kingdom of the foolish king and the silly minister on the condition that they could change all the old laws. उसने कहा ठीक है, हम इस राज्य का राजा बनेंगे, मिनिस्टर बनेंगे दोनों, लेकिन एक शर्त है कि हम पहले जो नियम है, कानून है, उसको हम बदल देंगे. फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर ए डुड्डू, इट बिकम लाइक एन अदर प्लेस. उन्होंने कहा कि पहले की तरह रात सोने के लिए होगा और दिन काम करने के लिए होगा. ये नहीं कि दिन सोने के लिए रात काम करने का, ऐसा नहीं होगा. प्रकृति के नियम के अनुसार हम लोग चलेंगे. सब तैयार हो गए. और ऐसा भी नहीं होगा कि एक ही रुपया में सब कुछ मिलेगा, सबका वैल्यू अलग अलग होगा. ऑल ऑफ देम गेट रेडी. दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी. इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जो फुलिश लोग हैं, जो मूर्ख लोग हैं, वी मस्ट कीप आवर सेल्फ अवे फ्रॉम देम. मॉरल ऑफ द स्टोरी. द स्टोरी इज ए फोक टेल एंड गिव्स टू मैसेजेज. The first message is that one should stay away from foolish people, else one is bound to suffer. The second message is that in order to tackle foolish people, one should employ wisdom, not logic. As the guru does not argue or reason the innocence of his disciple, instead he applied his presence of mind to release his disciple. This is all about the moral of the story. Thank you. Have a nice day.